धमतरी जिले के सराई रोहिल्ला थाना के पास हुई व्यापारी से 34 लाख रुपए की लूट। मनी एक्सचेंज का होता था काम। रात करीब 10 बजे हुई वारदात। स्कूटी पर आए बदमाशों ने पहले स्कूटी को टक्कर मारी, फिर बैग लूटकर फरार हो गए। बैग में 34 लाख रुपए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली के सराय रोहिल्ला थाना के पास रात करीब 10 बजे विक्की, जो कि स्कूटी पर जा रहा था, तभी दूसरी स्कूटी से आए दो बदमाशों ने स्कूटी पर टक्कर मारी और फिर उससे नोटों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। विक्की मनी एक्सचेंज कंपनी में काम करता है। विक्की के मुताबिक बदमाशों के पास हथियार भी थे। हालांकि पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फैज न्यूज, दिल्ली। विक्की नाम है मेरा। विक्की क्या हुआ था, कब हुआ, क्या कितने लोग थे? सर वो दो जने थे, स्कूटी पे आगे उन्होंने स्कूटी मेरे से भिड़ाई है और उसके बाद उन्होंने सिर्फ जेब में हाथ डाल के मेरे को दिखा रहे थे। सामान कह रहे भाग भाग मार दूंगा तेरे को, नहीं तो पीछे से उन्होंने इशारा करा है। मैं सिर्फ डर के मारे मैं भागा हूँ। भागने के बाद फिर मैंने अंकल को फ़ोन करा है। अंकल को फ़ोन करने के बाद फिर मैंने मोदी जी को फ़ोन कराया, मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, मैंने बंदे भेज दो। तब उन्होंने अपने लड़के भेजे है मेरे पास। कहाँ हुआ था सर? मेरे साथ हुआ है फिर थाने के पास, ये रेड लाइट है ना कुंदन ढाबे के, उससे ऊपर चढ़ के चौकी पड़ती है, चौकी से थोड़ा सा आगे। कितने पैसे थे सर? 34 लाख 70 हज़ार रुपये। 34 लाख 70 हज़ार आपने? हाँ जी सर। ठीक है।